माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित हमारे भारत स्वाभिमान की सहयोगी प्रांत प्रभारी डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा, प्रांत प्रभारी श्री विवेक भाई, सह प्रांत प्रभारी श्री दीपेंद्र भाई, राजगढ़ के भारत स्वाभिमान के संयोजक संरक्षक श्री बीके गुप्ता जी, अन्य सभी पदाधिकारी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने मिलकर ये व्यवस्था की है, मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। पिछले लगभग 6 महीनों से इस भारत देश में एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है भारत स्वाभिमान। इस अभियान को हमारे देश के परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया है, वो स्वयं इस अभियान के अध्यक्ष हैं। आचार्य श्री बालकृष्ण जी इस अभियान के महामंत्री हैं और परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे इस अभियान के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया हुआ है। हमारे इस अभियान में 31 राज्यों के प्रांत प्रभारी हैं, राज्य प्रभारी हैं, फिर 680 जिलों के जिला प्रभारी हैं, उनके साथ मंडल प्रभारी हैं। संपूर्ण भारत देश के करीब 2,40,000 योग शिक्षक इस अभियान में अपना तन मन धन सब लगा रहे हैं। जनवरी 2010 तक इस अभियान में लगभग 11 लाख योग शिक्षक शामिल होंगे, ऐसा प्रयास चल रहा है। और इस प्रयास में आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 6 महीनों से परम पूजनीय स्वामी जी सिर्फ हरिद्वार में रहकर 5-6 दिन के शिविर कर रहे हैं, एक एक राज्य के। आंध्र प्रदेश का शिविर अभी होके चुका, उड़ीसा का शिविर होके चुका, छत्तीसगढ़ झारखंड का होकर चुका है, पंजाब हरियाणा दिल्ली का शिविर हो गया है, थोड़े दिन में मध्य प्रदेश का शिविर होने वाला है, अन्य सभी 31 राज्यों के शिविर होने वाले हैं। तो शिविरों के माध्यम से अगले साल जनवरी तक लगातार 11 लाख योग शिक्षकों को तैयार किया जाएगा, इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। और 2 साल में हमारी ऐसी कोशिश है कि संपूर्ण भारत देश के लगभग 5 करोड़ लोग इस अभियान के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे, इसके लिए हम पूरी मेहनत करना चाहते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये इतना बड़ा अभियान और इस संगठन को क्यों बनाया, क्योंकि ये वर्तमान भारत में आजादी के बाद का शायद सबसे बड़ा संगठन होगा जिसमें 5 करोड़ कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित हों। इतने बड़े संगठन की जरूरत क्या है, क्यों आवश्यकता है भारत स्वाभिमान की? आप तो सभी जानते हैं कि परम पूजनीय स्वामी जी तो योग और प्राणायाम के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों को निरोगी बनाने के काम में लगे हुए थे, फिर उन्होंने ये भारत स्वाभिमान का काम क्यों शुरू किया, क्या जरूरत थी? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने की कोशिश मैं इस व्याख्यान के माध्यम से करूंगा। मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं, अपने भारत देश को आजाद हुए करीब 62 साल हो गए, 63वां साल शुरू हो गया। आजादी के पिछले 62 वर्षों में हमारे देश के सामने कई ऐसे गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं जिनका समाधान करना बहुत आवश्यक है। अगर हमने उनका समाधान नहीं किया तो इस देश के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगने की संभावना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं दोबारा से हमारा देश विदेशी ताकतों का गुलाम न हो जाए, फिर से विदेशी ताकतें हमारे देश पर कब्जा न कर लें, ऐसा भी मन में हमारे आता रहता है। कारण बहुत स्पष्ट है, वर्तमान परिस्थिति जो इस देश की है अच्छी नहीं है। आजादी के 62 साल में जो इस देश में होना चाहिए था कुछ हो नहीं पाया,
जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा, हमारे शहीदों ने देश की आजादी लाने के लिए जो स्वप्न देखा, जो आदर्श उनके मन में था, उन आदर्शों के लिए, उन स्वप्नों के लिए इस देश में कुछ हो नहीं पाया। हमारे क्रांतिकारियों के आदर्श और सपनों की बात करें तो सभी क्रांतिकारी एक तरफ से, वो हिंसावादी हों या अहिंसावादी हों, वो ये चाहते थे कि आजाद होने के बाद भारत में स्वतंत्रता आए। अब ये आजाद होने के बाद स्वतंत्रता आए, इसका मतलब आजाद होने के बाद भारत में अपना तंत्र बने, स्वतंत्र बने, हमारी व्यवस्था बने, हमारा सिस्टम बने। अंग्रेजों की जो व्यवस्था है, अंग्रेजों का जो सिस्टम है, वो भारत देश से हटाया जाए और इस देश में स्वतंत्रता लाई जाए। महात्मा गांधी से जब ये पूछा गया सन 1946 में, जब अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी कि हम भारत को छोड़ देंगे, आप जानते हैं 3 जुलाई 1946 को ये घोषणा हो गई थी कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, और उसके बाद अंग्रेजों के साथ भारत सरकार, माने अंतरिम भारत सरकार जो बनी, उनकी बातचीत शुरू हो गई थी कि सत्ता का हस्तांतरण किस दिन किया जाए। उस बातचीत में 15 अगस्त हुआ था 1947 में। 17 सितंबर 1946 को महात्मा गांधी से ब्रिटेन की कुछ अखबार के संवाददाताओं ने बातचीत की थी दिल्ली आकर, और वो गांधी जी से पूछते थे कि आजादी के बाद के भारत के बारे में आपकी क्या कल्पना है। तो महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट एक उत्तर दिया था जिसको अखबार वालों ने खूब प्रमुखता से प्रकाशित किया था। गांधी जी ने कहा कि अगर हमारे देश की आजादी के बाद भी अंग्रेज चाहें तो भारत में रह सकते हैं, लेकिन हमारे मेहमान बनकर। हम अंग्रेजों को अपने भारत देश में मेहमान बनाकर रख सकते हैं, वो चाहें तो इस देश में रहें, इस देश की आबो हवा अगर उन्हें पसंद है, इस देश की जलवायु अगर उन्हें पसंद है, इस देश में रहना उन्हें अच्छा लगता है, तो हम चाहेंगे कि वो मेहमान बनकर रहें, हमारे गेस्ट बनकर रहें। लेकिन अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्था है और अंग्रेजों की बनाई गई जो नीतियां हैं, अंग्रेजों के बनाए गए जो कानून हैं, अंग्रेजों का बनाया गया जो तंत्र है, अंग्रेजों की जो भाषा है, इसको हम एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में सारी दुनिया ये जानती है और कहती है कि वो कड़े शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना बोलने की हिंसा है, इसलिए बहुत सरल सौम्य शब्दों में बात कहते थे। लेकिन उस दिन गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों की न्याय पद्धति, अंग्रेजों की प्रशासन पद्धति, अंग्रेजों की शासन पद्धति, अंग्रेजों की भाषा भूषा, अंग्रेजों का भोजन, ये हम एक मिनट भी भारत में चले इसे बर्दाश्त नहीं करें। अतः आजादी के बाद के भारत के बारे में हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। गांधी जी ने कहा हम भारत को स्वदेशी के रास्ते पर लेके जाएंगे, हम भारत को स्वावलंबी देश बनाएंगे, हम भारत में सच्चा स्वराज्य लाने के लिए प्रयास करेंगे, ये गांधी जी ने स्पष्ट कहा। अगले ही दिन सारे इंग्लैंड के अखबारों में प्रमुखता से ये सब छपा और भारत में भी छपा। मेरे पास उस समय के समाचार पत्रों की कुछ कतरने हैं, कटिंग हैं, जो संभाल के रखी हुई है। ये एक बात हुई। एक और जानकारी देता हूं, महात्मा गांधी से थोड़े समय पहले हमारे देश के एक अमर शहीद भगत सिंह, उन्होंने एक लंबा आलेख लिखा था जिसको वो अपना घोषणा पत्र कहा करते थे। आप जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्रनाथ लाहड़ी, मन्मथनाथ गुप्त, ये सब जो क्रांतिकारी थे, इनका एक समूह था और इन्होंने एक समूह बना के उसका नाम रखा हुआ था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक संगठन बनाया था।
ये संगठन बना था सन 1924 में, वाराणसी में बना था, और इस संगठन की बार बार कई सभाएं हुई थी। उस सभा में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। चंद्रशेखर आजाद इस संगठन के महासचिव थे। मन्मथनाथ गुप्त इस संगठन के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। अशफाक उल्लाह को इस संगठन का प्रचार प्रसार का दायित्व दिया गया था। ऐसे अलग अलग जिम्मेदारी लेकर यह संगठन बना 1924 में, और इस संगठन का ये कहना था कि अंग्रेज हिंदुस्तान से अपने आप नहीं जाएंगे, इनको मार के भगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके मुंह में भारत की लूट का खून लग गया है, इसलिए ये आसानी से भारत को नहीं छोड़ेंगे, इनसे भारत को छुड़ाना पड़ेगा और शायद उसके लिए हिंसा करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश की आजादी की बात करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराने की बात किया करते थे। इसी तरह हमारे देश में एक क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस। वो भी मानते थे कि अंग्रेजों के ऊपर कोई बड़ा हमला करना पड़ेगा, कोई फौज बनानी पड़ेगी, कोई सेना तैयार करनी पड़ेगी, और उस हमले के बाद ही शायद अंग्रेज भारत को छोड़ेंगे। तो भारत के कुछ क्रांतिकारी जो हिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी चाहते थे, और भारत के कई महापुरुष महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते थे, उद्देश्य दोनों का एक ही था, देश की आजादी। मैं इन दोनों क्रांतिकारियों को ऐसा मानता हूं जैसे हमारे यहाँ कैंची होती है ना, कैंची, उसमें दो धार वाले पाले होते हैं, एक हिंसा वाला मान लो, एक अहिंसा वाला, काटने का काम वो दोनों ही करते हैं। तो अंग्रेजों की गुलामी को उस कैंची से काटने का काम दोनों ही कर रहे थे, एक हिंसा के माध्यम से, एक अहिंसा के माध्यम से। महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, हिंसा अहिंसा का सवाल बड़ा नहीं था, वो उनकी तकनीक थी, वो उनके काम करने का तरीका था, उद्देश्य दोनों का एक ही था, भारत की आजादी। 1924 में जब ये हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना तो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया इस देश में, और उस घोषणा पत्र में सबसे पहला बिंदु ये लिखा गया कि हमें अंग्रेजों से संपूर्ण आजादी इस देश के लिए चाहिए। और फिर अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में स्वतंत्रता की स्थापना करनी है हमें, माने अपने तंत्र की स्थापना करनी है। और एक एक बिंदु उन्होंने स्पष्ट किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव करना है, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, कानून और न्याय व्यवस्था को बदलना है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बदलना है, उन सब व्यवस्थाओं को बदलना है जिसको अंग्रेजों ने भारत की गुलामी के लिए स्थापित किया है। तो महत्व की बात इसमें समझने की है कि दोनों ही तरह के महापुरुष और क्रांतिकारी इस देश को चाहते थे अंग्रेजों के बाद एक ऐसा देश बनाना जिसका अपनी व्यवस्थाएं हो, अपना तंत्र हो, अपनी भाषा हो, अपनी शिक्षा हो, अपना सब कुछ हो। अब मैं आता हूं आज की बात पर कि अंग्रेजों के पहले के क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा आजादी के बाद का, अब आजादी के 62 साल पूरे होने के बाद अगर हम जरा इसका अवलोकन करें तो पता चलता है कि अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन अंग्रेजियत इस देश में से बिल्कुल नहीं गई है। अंग्रेजियत वैसी की वैसी ही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। कई बार तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा अंग्रेजियत अभी अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में हो गई है। महात्मा गांधी का सपना अधूरा है, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का सपना अधूरा है, जो वो कहा करते थे कि भारत में स्वतंत्रता लानी है, अपना तंत्र बनाना है, वो अभी तक नहीं बन पाए। मैं कुछ उदाहरण से कहता हूं। अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाकर रखने के लिए एक कानून की व्यवस्था बनाई थी। अंग्रेजों का एक बड़ा चालाकी भरा कदम था वो ये कि भारत में कुछ भी करो कानून के नाम पर करो, अगर भारत को लूटना है तो कानून बनाकर लूटो, भारत की बर्बादी करनी है कानून बनाकर करो,
भारत के लोगों की लूट करनी है कानून बनाकर करो, कुछ भी करो कानून से करो, क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम तो रूल ऑफ द लॉ वाले लोग हैं, तो रूल ऑफ द लॉ सारी दुनिया को सिखाया करते थे। कई बार अंग्रेजों की दुनिया भर के देशों में आलोचना होती थी कि आपने भारत देश को गुलाम बना के रखा हुआ है, तो अंग्रेज बड़ा सुंदर उत्तर देते थे कि हमने भारत को गुलाम नहीं बनाया, हमने भारत में कानून का राज्य स्थापित कराया है और उसको चलाने के लिए हम भारत में हैं। ये वो कहा करते थे, भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है। तो उन्होंने कुछ कानून बनाए हुए थे और उन कानूनों की संख्या 34,735 जो कानून अंग्रेजों ने बनाए इस देश में। एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, एक कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन पीनल कोड, एक कानून बना दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक कानून बना दिया सिविल प्रोसीजर कोड, ऐसे कुल मिलाकर 34,735 कानून बनाए और वो भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित करने के लिए थे और 1000 साल भारत में अंग्रेजों का राज्य चलता रहे उसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ऐसे कुछ 34,735 कानून बनाकर राज किया इस देश पर। अब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज चले गए तो महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों का ये कहना था कि जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं ये सारे कानून जला देने चाहिए, इन सब कानूनों को खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी के मन में इतनी तीव्रता थी, वो कहा करते थे कि कलम की एक नोक से ये सब कानून खत्म होने चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि आजादी के 62 साल बीतने के बाद भी एक भी कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, उसको जलाया नहीं गया, उसको खत्म नहीं किया गया। सारे के सारे कानून अभी भी इस देश में चल रहे हैं और वैसे ही चल रहे हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला करते। तब मन में ये आता है कि अगर अंग्रेजों के समय के कानून 62 साल आजादी के बाद भी चल रहे हैं तो कौन सी आजादी इस देश को आई है। मैं कुछ उदाहरण से कहता हूं। अंग्रेजों ने सन 1860 में एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून के बारे में एक विशेष बात अंग्रेजों ने की वो ये कि भारत के क्रांतिकारियों को, शहीदों को, आजादी की बात करने वाले लोगों को पुलिस के अत्याचार से परेशान करना, इस कानून का एक ही मकसद था और इसके लिए पुलिस बनाई उन्होंने। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के पहले किसी भी राजा ने पुलिस नहीं बनाई थी इस देश में, सेना हुआ करती थी, पुलिस कभी नहीं बनी इस देश में। इस देश में महान महान सम्राट हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, जैसे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन, चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस देश में ऐसे बीसियों चक्रवर्ती सम्राट हुए, किसी भी राजा ने, किसी भी सम्राट ने कभी भी पुलिस नहीं बनाई, आर्मी बनाई, फौज बनाई जो विदेशी हमले से देश की रक्षा करने के लिए है, लेकिन देश के लोगों पर अत्याचार करने के लिए पुलिस किसी ने नहीं बनाई। अंग्रेजों ने पहली बार 1860 में इस देश में पुलिस बनाई और उसका उद्देश्य ये था कि पुलिस की मदद से भारत के क्रांतिकारी, भारत के जो शहीदी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं इनको दबा के रखना, अत्याचार करवाते रहना, कंट्रोल में रखना। और उस पुलिस ने अत्याचार किए इस देश पर। महान पुरुष आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने सन 1926-27 में एक कानून लाया था रॉलेट एक्ट। पहले इसको लाया था 1919 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो थोड़े दिन के लिए उसको पेंडिंग कर दिया, छोड़ दिया,
फिर दोबारा से 1926-27 में उसको लाने की कोशिश थी। उसके खिलाफ लाला लाजपत राय ने एक जुलूस निकाला था। जैसे हम अभी आजकल अपने देश में कोई सरकार की नीति के खिलाफ जुलूस निकालते हैं, वैसे ही लाला लाजपत राय ने एक शांतिप्रिय तरीके से जुलूस निकाला था। उस जुलूस के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था और लाला जी को इतनी लाठियां मारी गई थी सिर में कि उनका सिर फट गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हुई थी। लाला जी की मृत्यु जिस अंग्रेज अधिकारी की लाठियों के मारने से हुई उसका नाम था सैंडर्स। इस सैंडर्स नाम के अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह ने एक FIR किया था, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके ऊपर मुकदमा चले सैंडर्स के ऊपर कि उसने बेकसूर लाला लाजपत राय को मार डाला और उसकी सजा उसे मिले, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी अदालत से न्याय की गुहार की थी। जब अंग्रेजी अदालत में ये मामला गया तो सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया, छूट गए, उसको कोई सजा नहीं हुई। कारण क्या था? अदालत में जब बहस हुई कानून के पक्ष पर तो पता चला सैंडर्स ने अपना पक्ष रखा कि मैंने लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था और ये कर्तव्य करने के लिए मुझे अधिकार मिला है और वो अधिकार मुझे एक कानून ने दिया है और उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। तो इंडियन पुलिस एक्ट कानून के अधिकार से मुझे ये मिला, मैंने लाला जी को लाठियों से मारा, अब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई, कानून ये कहता है। तो अंग्रेज जज ने उस कानून का पक्ष लेते हुए कहा, उसने टिप्पणी भी की थी कि हम इस अदालत में न्याय कर पाए न कर पाए लेकिन कानून के आधार पर फैसला जरूर दे सकते हैं और फैसला यह है कि सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया जाता है। क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। इसका मतलब है कि कोई पुलिस अधिकारी आपको डंडे से पीटे तो ये अधिकार है उसका, आप उसके डंडे को रोक नहीं सकते क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं। अगर पुलिस वाला डंडे मार रहा है और आपने डंडा पकड़ा तो कानून आपके खिलाफ है, पुलिस वाले के समर्थन में है, ये व्यवस्था है। तो सैंडर्स ने दलील दी, छूट गया वो, मुकदमा नहीं चला, उसको सजा नहीं हुई, तो भगत सिंह को क्रोध आया। और भगत सिंह अकेले नहीं थे जिनको क्रोध आया, चंद्रशेखर आजाद को क्रोध आया, उनके सब साथियों को क्रोध आया और इन लोगों ने एक फैसला लिया कि अंग्रेजी अदालत और कानून ने तो न्याय नहीं दिया, अब हम अपने हाथों से न्याय करेंगे। और अपने हाथों से न्याय करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प की पूर्ति के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी। शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी, वो कहानी आप सब जानते हैं, और एक नहीं तीन गोलियां मारी थी। भगत सिंह जी को किसी ने कहा था कि आपने एक गोली मारी इसी में मर गया था, वो तो दो और क्यों मारी आपने? तो भगत सिंह ने कहा था कि मुझे गुस्सा इतना था उसके खिलाफ कि और रिवाल्वर में गोली होती तो वो भी उतार देता उसकी छाती, भले वो एक ही गोली में मर गया था। और आप जानते हैं कि इसी सैंडर्स वध में शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी और उस फांसी की सजा के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जो न्याय अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था ने मुझे नहीं दिया वो न्याय मैंने मेरे हाथों से ले लिया। सैंडर्स का मरना जरूरी था, अगर वो जिंदा रहता तो किसी दूसरे लाला लाजपत राय को लाठियों से मारता, किसी तीसरे लाला लाजपत राय को मारता और हमारे क्रांतिवीरों पर अंग्रेजों की लाठियां पड़ती रहें और वो शहीद होते रहें, ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है। एक बार लाहौर की जेल में जब शहीद आजम गिरफ्तार थे, भगत सिंह को रखा गया था लाहौर की जेल में, तो कई बार अखबार वाले उनको मिलने आते थे और वो अखबार वाले अक्सर उनसे पूछा करते थे कि अब आपकी इच्छा बताओ वो क्या है, अब फांसी तो हो जाएगी वो तो तय हो गया, अब आपकी कोई इच्छा है
आप कोई संदेश देना चाहते हैं, तो भगत सिंह ने कहा कि आप लिख सको तो अखबार में मेरी तरफ से यही लिखो कि मेरे जाने के बाद भी भारतवासी सबसे ज्यादा कोशिश इस बात की करें कि अंग्रेजों का बनाया गया ये कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, ये हमेशा के लिए खत्म किया जाए और दोबारा किसी अंग्रेज अधिकारी को ये अधिकार ना मिले कि भारतवासियों के ऊपर वो लाठी चार्ज करे और उनको मृत्युदंड मिले। ये भगत सिंह जी का सपना था। अब मैं आता हूं सन 2009 पर। शहीद आजम भगत सिंह ने जिस कानून के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया, जिस कानून के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया, वो कानून इस देश की आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट 2009 में भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है, 1860 में अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों को जो राइट टू ऑफेंस दिया गया था, 2009 में वो राइट टू ऑफेंस सभी अधिकारियों को आज भी है। वो चाहें तो आपके ऊपर लाठियां मार के आपका सिर फोड़ सकते हैं, टांगे तोड़ सकते हैं, आपको लहू लुहान कर सकते हैं, आपको घायल कर सकते हैं, आपकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और ये रोज इस देश में होता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। आजादी के बाद इस देश के बोनाफाइड सिटीजन, जो इस देश के मालिक हैं, जिनके वोट से इस देश की सरकारें चुनी जाती हैं, जिनके नोट से इस देश के पुलिस अधिकारियों का वेतन तय होता है, उन लोगों के ऊपर पुलिस का बर्बरता से लाठी चार्ज होता है और अभी भी लोग वैसे ही मरते हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में मरा करते हैं। मुझे तो कभी बहुत दुख होता है ये कहते हुए, एक घटना अभी सुनाता हूं, सच्ची घटना, शायद आपको याद आ जाए। कभी कभी टेलीविजन पे समाचार देखने का वक्त मिल जाता है तो मैं देख लेता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक समाचार देख रहा था, दिल्ली में भारत देश के अंध लोगों का एक संगठन है जिसके कुछ कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। अंधे लोगों का संगठन, उसका कुछ नाम है नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन ऐसा करके। तो उस संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, अब वो अंधे थे, देख नहीं सकते, तो हरेक अंधे व्यक्ति के साथ कोई एक आंख वाला व्यक्ति था। वो सब लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर। जंतर मंतर दिल्ली में अब एक ही स्थान रह गया है जहां सरकार के खिलाफ आप कोई प्रदर्शन कर सकते हैं या ज्ञापन दे सकते हैं। तो ये अंध लोगों के संगठन ने ज्ञापन देने के लिए तय किया, जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। पुलिस वालों ने उन सबको लाठियों से पीटा, सबको पीटा। और वो देखा हमने टीवी पर, पुलिस वालों की लाठियां चलते हुए देखा हमने टीवी पर। अब जिनकी आंखें थी वो तो भाग लिए इधर उधर, जो अंधे थे वो भागे किधर। इतना खतरनाक दृश्य था कि वो बेचारे हाथों से एक दूसरे को टटोलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां उनके ऊपर बरस रही हैं, किसी के सिर से खून निकल रहा है, किसी के कान से, किसी के पैरों से, बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। उस दिन मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, क्या भारत आजाद हो गया है, क्या ये देश स्वतंत्र हो गया है, क्या इस देश में कोई स्वराज्य आ गया है। इस देश का आम नागरिक अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह से पिटा करता था, आज भी पैसे ही पिट रहा है, कहां अंतर है इस देश की अंग्रेजी व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में। एक और उदाहरण देता हूं, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पोलियो के शिकार हैं, जिनके पांव काम नहीं करते, उनका एक संगठन है अखिल भारतीय विकलांग परिषद करके। उनका एक सम्मेलन हुआ है इसी तरह से और उनकी तरफ से कोई ज्ञापन सरकार को देने की बात थी, तो वो अपनी जो ट्राई साइकिल है उसको चला के जाते हैं क्योंकि उनके तो पांव काम नहीं करते। उनका एक ऐसा ही कार्यक्रम था, पुलिस ने उस पर भी लाठी चार्ज किया, साइकिलें तोड़ दी उनकी, सिर फोड़ दिए उनके। और फिर उस दिन मन को यही प्रश्न आया कि भारत स्वतंत्र हुआ है क्या, भारत आजाद हुआ है क्या।
और एक उदाहरण देता हूं।